Hello students, welcome back to functions. Today's topic is very important as we are going to discuss about global scope and local scope, or you can say global environment and local environment, along with the working of global variable and local variable. So let's start with definitions. तो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन है लोकल स्कोप की. अ नेम डिक्लेयर इन अ फंक्शन बॉडी इज सेड टू हैव लोकल स्कोप. तो कहने का मतलब यह है कि फंक्शन बॉडी में जो आप लोग फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, उस बॉडी को हम लोग लोकल स्कोप कॉल करते हैं. इट मींस के उस स्कोप में, उस बॉडी के अंदर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या जो भी चीज़ें आप डिक्लेयर करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल होगा. आप उस नाम को बाहर यूज नहीं कर सकते. सपोज यू हैव डिफाइन अ न्यू वेरिएबल विद नेम एक्स, तो ये जो एक्स वेरिएबल होगा वो आपका इस फंक्शन बॉडी के अंदर ही सिर्फ अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते. तो ये आपका लोकल स्कोप है, जिसकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो आपकी लिमिटेड होती है फंक्शन बॉडी के अंदर. इसके आगे लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज ओनली विद इन दिस फंक्शन एंड द अदर ब्लॉक्स कंटेंट अंडर इट. इसका मतलब ये है, अगर उस फंक्शन के अंदर, अगर उस फंक्शन बॉडी के अंदर फर्दर अगर आपने कोई और ब्लॉक या कोई और बॉडी अगर आपने डिक्लेयर कर रखी है, तो वो डिक्लेयर वेरिएबल उस इनर बॉडी में भी एक्सेसिबल होगा. तो अभी एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं. उससे पहले देखते हैं ग्लोबल स्कोप क्या होता है. तो देखिए, कोई भी नाम, कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन अगर आप लोग डिक्लेयर करते हैं टॉप लेवल सेगमेंट में, या आप कह सकते हैं आउटसाइड ऑल द फंक्शन बॉडीज, तो आप उसे लोकल सॉरी ग्लोबल स्कोप कॉल करते हैं. तो द नेम विच इज डिक्लेयर्ड इन टॉप लेवल सेगमेंट, और यू कैन से विच इज रिटन आउटसाइड ऑल द फंक्शन बॉडीज, इज सेट टू हैव अ लोकल सॉरी ग्लोबल स्कोप. तो उसे हम ग्लोबल स्कोप कॉल करते हैं. तो अगर आपकी कोई भी, अगर कोई वेरिएबल है या और भी कोई चीज अगर आपने डिफाइन की है, कोई भी आपने डिक्लेयर की है जो किसी भी फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं है बल्कि सारी फंक्शन बॉडीज के बाहर वो डिक्लेयर्ड है, तो आप उसे ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर्ड बोलते हैं कि ये चीज ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर्ड है. तो ये जो ग्लोबल जो स्कोप होता है, इसमें डिक्लेयर्ड जो चीजें होती है वो आपकी हर जगह एक्सेसिबल होती है. मींस दीज थिंग्स आर एक्सेसिबल इन ऑल द फंक्शन बॉडीज. तो ग्लोबल जो चीजें हैं वो आपकी लोकल जो फंक्शन बॉडीज हैं उसमें एक्सेसिबल होती हैं, बट जो लोकल जो चीज़ें वो होती हैं वो आपकी ग्लोबली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं. तो चलिए इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं. तो देखिए, इस एग्जांपल में बिल्कुल बेसिक समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो कोड है वो लिखा है. यहाँ पर देखिए, मैंने इस पूरे कोड में, इस पूरे प्रोग्राम में मैंने चार वेरिएबल डिफाइन किए हैं विद नेम ए बी सी एंड डी. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये आपका ए वेरिएबल है जिसमें 1000 मैंने असाइन किया है, बी में 2000, उसके बाद डी में 4000 और सी में आपका 3000. तो ये चार वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं. उसी के साथ आपने यहाँ पर दो फंक्शन बॉडीज भी लिखी हैं जो कि फंक्शन वन और फंक्शन टू के नाम से आपको यहाँ पर दिख रही है. ये आपकी एक बॉडी हो गई और ये आपकी दूसरी फंक्शन बॉडी हो गई. अब देखिए, स्कोप की बात करें तो ये जो फंक्शन बॉडी है इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ये आपका लोकल एनवायरनमेंट है. इसमें इस जगह आप जो भी चीजें लिखोगे वो आपकी आउटसाइड फंक्शन एक्सेसिबल नहीं होंगी. तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बी वेरिएबल है ये आपका इस फंक्शन बॉडी के अंदर तो अवेलेबल होगा. यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या इसे यूज कर सकते हैं या इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं. बट अगर आप इसे फंक्शन वन से अगर आप बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो इट विल नॉट वर्क. तो वो वहां पर एक्सेस नहीं होगा. बिल्कुल इसी तरह से आपके यहाँ पर फंक्शन टू की भी एक आपकी लोकल बॉडी है और इसके अंदर आपने डी वेरिएबल जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है वो भी इस फंक्शन टू बॉडी का लोकल वेरिएबल है. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बी वाला जो वेरिएबल है जो फंक्शन वन का है वो फंक्शन टू में एक्सेस नहीं होगा और ना ही वो आपके मेन सेगमेंट में एक्सेस होगा. इन द सेम वे फंक्शन टू का जो डी वेरिएबल है वो आपका ना तो फंक्शन वन में एक्सेस होगा और ना ही वो लोकल स्कोप में सॉरी ग्लोबल स्कोप में एक्सेस होगा, यानी कि मेन सेगमेंट में एक्सेस नहीं हो पाएगा. तो ये अपने अपने लोकल स्कोप है जहां पर आप जो भी चीजें डिफाइन करोगे वो सिर्फ उसी स्कोप के अंदर लिमिटेड वो वर्क करती हैं, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होती है. तो अगर देखा जाए कि वेरिएबल ए को अगर देखा जाए तो ये वो वेरिएबल है जो हर एक बॉडी के बाहर, फंक्शन वन फंक्शन टू दो लोकल बॉडीज हैं, दो लोकल स्कोप हैं, इनके बाहर आपने डिफाइन किया है. तो दिस वेरिएबल इज सेट टू हैव अ ग्लोबल स्कोप.
तो इसीलिए क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड है इसलिए हम लोग इसे ग्लोबल वेरिएबल कॉल करते हैं। इन द सेम वे जो सी वेरिएबल आपने यहाँ पर डिफाइन किया है वो भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये हर एक फंक्शन बॉडी के आउटसाइड डिफाइन है। तो चलिए अब जरा इसकी वर्किंग समझते हैं। देखिए आपका जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप सी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप फंक्शन वन कॉल करेंगे। फंक्शन वन कॉल करने के बाद आपका यहाँ पर ये बी जो होगा वो आपका मेमोरी में आपका वैल्यू असाइन हो जाएगी। वैल्यू असाइन होने के बाद अब आप यहाँ पर जो प्रिंट कर रहे हैं फंक्शन वन के अंदर वैल्यू ए, तो ये जो ए है वो आपकी लोकल तो अवेलेबल है नहीं, तो ये ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज लोकली अगर अवेलेबल नहीं होती है तो वो उसको ग्लोबली एक्सेस करता है। अगर ग्लोबली भी अवेलेबल नहीं होगी तो वो आपको एरर दे देगा। तो अभी लोकल अवेलेबल नहीं है तो ग्लोबल वो वैल्यू को एक्सेस करेगा और वो यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1000। सेकेंड बी की जो वैल्यू है वो इसकी लोकल वैल्यू है, वो इसे सिंपली एक्सेस कर लेगा। इन द सेम वे जो सी वैल्यू है वो आपकी ग्लोबल वैल्यू है, ये भी आपकी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ग्लोबल जो वैल्यूज होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो लोकली एक्सेसिबल होते हैं, बट जो वाइस वर्सा है वो उसका अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो लोकल चीजें वो ग्लोबली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और अगर हम डी की बात करें तो डी जो है वो ना तो आपका ग्लोबल है और ना ही आपका वो इस करंट फंक्शन वन का लोकल वेरिएबल है, ये है आपका फंक्शन टू का लोकल वेरिएबल और जो कि वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा, तो वो यहाँ पे आपको सिंपल दे देगा एरर। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। इन द सेम वे जब आप फंक्शन टू को कॉल करेंगे मेन सेगमेंट से, तो फंक्शन टू के केस में वो यहाँ पर सबसे पहले डी वेरिएबल आपका मेमोरी में अवेलेबल होगा और यहाँ पर आप जब ए प्रिंट करोगे तो ये फिर से आपकी ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करेगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी के लिए वो आपको एरर बोलेगा क्योंकि बी जो है वो आपके फंक्शन वन का लोकल है वेरिएबल है जो कि वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सी वाला फिर से आपको लोकल सॉरी ग्लोबल मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जो डी है वो आपके फंक्शन टू का ही लोकल वेरिएबल है, ये तो आपका इजीली एक्सेस हो ही जाएगा। तो लोकल और ग्लोबल को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, चलिए जरा इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए ये इसका आउटपुट आ रहा है, फंक्शन वन का ए बी और सी प्रिंट हो गया, फंक्शन टू का ए सी और डी प्रिंट हो गया। अगर मैं यहां पर फंक्शन वन का डी वेरिएबल प्रिंट करने की कोशिश करूं तो वो देखिए उसके लिए आपको एरर दे देगा। तो देखिए वो उसके लिए आपको एरर दे रहा है, क्या बोला है कि नेम डी इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जो नेम जो डी है वो आपका डिफाइन नहीं है, आपको उसके लिए एरर मिल गई। तो ये इन द सेम वे इफ यू विल ट्राई टू एक्सेस वेरिएबल बी तो वो उसके लिए भी आपको एरर दे देगा। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बी को एक्सेस करके देखते हैं। तो देखिए बी के लिए भी वो आपको यही बोल रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड, वो यहाँ पर बी के लिए भी आपको एरर दे रहा है जो कि ना तो ये फंक्शन टू के अंदर लोकली अवेलेबल है और ना ये ग्लोबली अवेलेबल हो पा रहा है। ये फंक्शन ये जो वेरिएबल ये आपका किसी दूसरे लोकल एरिया में है इसलिए वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे भी वो आपको एरर दे देगा। तो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा और समझते हैं आगे का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड वो देखते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल देखने से पहले ये जो डायग्राम है ये समझ लेते हैं। इस डायग्राम में अगर आपको देखें तो यहाँ पे आपने लोकल वेरिएबल जो लोकल एनवायरनमेंट है जो लोकल स्कोप है वो हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ फिर हम लोगों ने ग्लोबल एनवायरनमेंट पढ़ लिया है, इसके बीच में यहाँ पर एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट और आपको दिख रहा है। तो एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए अगर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है और उसके अंदर आपने उसके लोकल में एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया है, यानी कि एक फंक्शन बॉडी के अंदर एक और आपने पूरी फंक्शन बॉडी लिख दी है, तो ये जो एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट है ये आपका आउटर फंक्शन होगा और जो लोकल एनवायरनमेंट होगा वो उसका इनर फंक्शन बॉडी हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ एक्सेसिबिलिटी होगी आपके वेरिएबल्स की या और किसी भी चीज की, तो वो यहाँ पर सबसे पहले वो एक्सेस करेगा लोकल एनवायरनमेंट को। अगर वो चीज लोकली वो नाम अगर अवेलेबल नहीं होता तो वो अपने एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट को वो एक्सेस करता है, अगर वहां पे भी नहीं मिलता तो ग्लोबल एनवायरनमेंट पे जाता है और अगर वहां पर भी नहीं मिलेगा तो फिर वो फाइनली सर्च करेगा बिल्ट इन एनवायरनमेंट में, अगर वो नाम बिल्ट इन एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है तो वो वहां से उसे एक्सेस कर लेगा। तो बिल्ट इन एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी एक बिल्ट इन वेरिएबल मेन सॉरी नेम के नाम से अभी हम लोगों ने पढ़ा था।
तो इस तरह से हम बिल्ट इन एनवायरमेंट तक काम कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम लोकल एनवायरमेंट, देन इंक्लूजिंग एनवायरमेंट, देन ग्लोबल एनवायरमेंट एंड देन फाइनली बिल्ट इन एनवायरमेंट. तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है वो प्रीवियस एग्जाम्पल से अगर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे तो काफी सिमिलर है. इसमें जो मेन डिफरेंस वो ये है, जो आपने जो फंक्शन वन था वो आपने आउटसाइड फंक्शन जो टू था वो आपने आउटसाइड फंक्शन वन डिफाइन किया था, बट यहाँ पे आपने फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू की डेफिनेशन लिखी हुई है. तो अगर मैं इस फंक्शन टू को अगर मैं बोलूँ तो ये आपका एक लोकल एनवायरमेंट है. अगर प्रीवियस वाले डायग्राम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से समझें तो ये आपका लोकल एनवायरमेंट है, और जो फंक्शन वन है जिसने इसको इनक्लोज किया हुआ है ये आपका इनक्लोजिंग एनवायरमेंट है, जिसने इस फंक्शन टू को इनक्लोज किया हुआ है. मीन्स फंक्शन टू जो है वो फंक्शन वन के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर डिफाइंड है, उसकी जो डेफिनेशन है वो फंक्शन वन के अंदर डिफाइन है. तो ये जो एनवायरमेंट है ये आपका लोकल एनवायरमेंट है, और ये वाला जो होगा वो आपका यहां से यहां तक पूरा एनक्लोजिंग एनवायरमेंट होगा. तो एनक्लोजिंग एनवायरमेंट के अंदर आपका यहाँ पर फंक्शन टू भी है जिसे आप कॉल कर रहे हैं, जिसे आप यूज कर रहे हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ग्लोबल एनवायरमेंट यहां पर मिलेगा और यहां पर मिलेगा, और आपका ये वाला पार्ट आपका ग्लोबल एनवायरमेंट का है, ये दोनों स्टेटमेंट और ये आपका ग्लोबल एनवायरमेंट का पार्ट है. और फाइनली अगर इसके भी अगर आप अपर लेवल पे हाई लेवल पे जाओगे तो आपको मिलेगा बिल्ट इन एनवायरमेंट. तो चलिए जरा इसको समझते हैं ये काम कैसे करेगा. सबसे पहले आप जब यहाँ पे फंक्शन वन कॉल करेंगे तो फंक्शन वन जब कॉल होगा तो वो यहाँ पे आएगा, बी वेरिएबल इसको यहाँ पर अवेलेबल होगा. जब आप प्रिंट करेंगे तो ए तो इजीली अवेलेबल हो, ए जो होगा वो तो आपका इजीली प्रिंट हो ही जाएगा क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल लोकल में एक्सेस हो जाता है. और बी जो होगा वो इसका अपना लोकल वेरिएबल है, ये भी आपका एक्सेस हो जाएगा. सी वाला जो होगा वो भी जो है वो ग्लोबल है तो वो भी इजीली एक्सेस हो जाएगा. बट वॉट अबाउट डी? देखिए डी के केस में क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है वो इसके लोकल में डिफाइन है. तो चीजें जो होती है वो हमेशा अगर हम देखें ग्लोबल और लोकल के केस में तो ग्लोबल वाला जो कंटेंट है वो लोकल में एक्सेस होता है, ना कि लोकल वाला जो कंटेंट है वो ग्लोबल में जाता है. तो ये वाला जो फंक्शन टू जो बॉडी है वो लोकल है इस एनक्लोजिंग एनवायरमेंट की, ये लोकल है. तो यहां पर आपका जो डी होगा वो आपका इसके जो हायर जो लेवल पर एनवायरमेंट है वो वहां तक नहीं जाएगा, या इसके जो एनक्लोजिंग एनवायरमेंट में वो वहां पर एक्सेस नहीं होगा. बट अगर इसका रिवर्स देखें, अगर मैंने कोई चीज एनक्लोजिंग एनवायरमेंट में अगर मैंने डिक्लेयर की है तो वो उसके लोकल एनवायरमेंट में एक्सेस हो जाएगी, जो कि यहां पर आपको वेरिएबल बी आपको दिख रहा है. तो अभी क्या होगा, आपका फंक्शन वन का एबीसी आपके इजीली प्रिंट हो जाएंगे ये तीनों स्टेटमेंट, और जो डी होगा वो इसके लिए एरर दे देगा क्योंकि वो अपने लोकल एनवायरमेंट से इसको एक्सेस नहीं करेगा. जब आप फंक्शन टू को कॉल करेंगे तो फंक्शन टू जो होगा वो आपको यहाँ पर डी को डिक्लेयर करेगा, और फिर उसके बाद ए को वो ग्लोबली एक्सेस करेगा और बी को यहाँ पर एक्सेस इजीली कर लेगा क्योंकि ये इसका ग्लोबल लेवल पर है. ग्लोबल मीन्स इनक्लोजिंग एनवायरमेंट है, ये इसके हायर लेवल पर है, ये इसको एक्सेस कर पाएगा. और जो सी होगा वो ग्लोबली एक्सेस होगा, डी जो है वो उसका अपना लोकल वेरिएबल है तो ये इजीली एक्सेस हो जाएगा. तो सिर्फ एक इस स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सारी स्टेटमेंट आपके रन कर जाएंगी. तो यहाँ पे आपको समझना था कि एनक्लोजिंग एनवायरमेंट क्या होता है. तो यहाँ पर जो फंक्शन वन है ये आपको एनक्लोजिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर फंक्शन टू, और जो फंक्शन टू है वो एक लोकल एनवायरमेंट शो कर रहा है फॉर फंक्शन वन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ग्लोबल एनवायरमेंट आपको दिख रहा है. तो चलिए जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो देखिए यहां पर ये इसका आउटपुट आ रहा है. अगर आप इसे कंपेयर करेंगे वैल्यूज तो आपको यहां पर इजीली समझ में आ पाएगा. फंक्शन वन ने 1000 एक्सेस किया है, बी ने 2000, सी ने 3000, और डी यहां पे आपको एरर दे देगा, इसलिए मैंने उसको कमेंट बनाकर रखा हुआ है. इसी तरह से फंक्शन टू का भी एबीसीडी आपके काम कर जाएंगे. तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बी जो होगा वो यहां पर एक्सेस होगा, बट जो डी होगा वो अपने लोकल एनवायरनमेंट से एक्सेस नहीं होगा, जो इसका जो अपना इनर एनवायरनमेंट है वो वहां पे उसको एक्सेस नहीं होने देगा. तो ये था देखिए मेन कॉन्सेप्ट ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, ग्लोबल और लोकल एनवायरनमेंट, या आप कह सकते हैं ग्लोबल और लोकल स्कोप का.